कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, खुश होंगे। तो आज जो है बृहस्पतिवार है और हमारा है व्रत, और हमारी मम्मी बना रही हैं आलू का हलवा। तो चलते हैं, देखते हैं मम्मी आलू घी में उबले हुए 4 आलू डाल दिए हैं, अब इसे भूंजेंगी। थोड़ी नहीं हो क्या? भूनेंगे, एकदम से फोड़ के भूंजो तो अच्छा से भून जाता नहीं है, धीरे धीरे लाल होता जाएगा, हम तोड़ते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मम्मी जो है लाल होता जाएगा और फोड़ती जाएंगी। इस तरह से आलू का हलवा बनेगा। तो दिखा रहा है कि आपका ड्राई पॉट जो है 24 घंटे में चेंज हो जाएगा, प्रोसेस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मम्मी अब आलू बस इसी तरह इसको तोड़ते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अच्छा, घी थोड़ा ज्यादा लगता है इसमें, क्योंकि अगर घी ज्यादा नहीं पड़ेगा तो ये लाल नहीं होगा। आलू जो है भून गया है, तो अब जो है इसमें मम्मी चीनी डाल रही है। चीनी मम्मी ली है अपने अंदाज के हिसाब से, कोई मीठा खाए कोई कम मीठा खाए, हम तो मीठा कम ही खाते हैं, लेकिन खाना ही पड़ेगा, खाते ही नहीं है मीठा हम। तो ये हलवा अभी इसमें और कुछ दूध उध पड़ेगा कुछ नहीं, बस चीनी गल जाएगी तो समझिए पक ही गया है, तैयार हो गया है। थोड़ा सा ये मम्मी इसमें दूध भी डालने जा रही हैं कि ये थोड़ा रूखा सा ना आए। मलाई भी इसमें आ गया, वाह, ऐसे रहता तो ये रूखा रूखा सा रहता, अब ये दूध पड़ गया है ना, तो ये अब जो है थोड़ा अच्छा लगेगा। डाल लो ना, मीठा ज्यादा हो गया है क्या? तो दूध डाल लो ना, थोड़ा सा ले आ। आज इनको घी बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, हलवा में घी डाल के बनाए, उसके बाद भी अभी और घी डाल के खाएंगी। वाह, हमने कहा दूध डालो तो कहती नहीं घी डालेंगे। पुरानी चिकना चिकना चमकने लगा है। बढ़िया बना है। मीठा भी ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो चीनी उस हिसाब से कम डाली गई है ना, आलू में ज्यादा चीनी पड़ती है, उस हिसाब से चीनी कम पड़ी है। तो भुंजा नहीं जितना आलू को भूनते हैं। खड़े नहीं, सिरका रखा था उसी को छौंकने जा रहे हैं। अच्छा, तो कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने हलवा खा लिया है और अब हम मम्मी के पास जा रहे हैं। देखिए मम्मी क्या कर रही हैं, एक कढ़ाई चढ़ा के बैठी हुई है, सिरका शायद बनाने जा रही हैं। लोग बिना छौंका भी बनाते हैं, उसमें सिरका छान के सारा सामान सब उसमें जो भी डालना हुआ, मिर्च, खटाई, कटहल, नमक, लहसुन सब डाल के भर के रख देते हैं, तो 2 महीने बाद खाने लायक होता है। और इसको बना के रख देंगे छौंक के खोला के, तो ये 2-3 दिन में ही खाने लायक हो जाएगा। तो ये क्या घर का बना सिरका है? हाँ, ये घर का बना सिरका है, गन्ने का रस भर के रख दिए थे, इसमें हो गया था। कितने दिन में बन गया ये? अरे बन तो गया था बहुत पहले ही, ये 3 महीने में तैयार हो जाता है। अच्छा, लेकिन हम इसको छान के छौंक नहीं पाए, अभी तक ये रखा ही रह गया।
तैयार हो जाता है। ये क्या अजवाइन है क्या? हाँ, ये अजवाइन डालेंगे थोड़ा से। तो मम्मी आज जो है सिरका घर का बना हुआ देखिए छौंकने जा रही हैं, और ये बड़ा ही तेल डाले हैं। हाँ, थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए थोड़ी सी अजवाइन, कि कोई उसका अंदाज है कि इतने सिरके में कितना अजवाइन पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजवाइन पक रही है, अब इसी में हम सिरका छान लेते हैं। ये देखिए किस टेक्निक से कर रही है, डायरेक्ट कढ़ाइया में ही छान रही है, नहीं कि पहले छान लेती। तो इसको थोड़ा खोला देना है, थोड़ा बहुत ये एक चावल के बराबर उड़ जाए इसका रसा, इतना देर तक खोलाना है, 5-10 मिनट। तो ये रेडी हो जाएगा, इसमें सूखा आम डाल देंगी, मिर्चा डाल देंगी, और ये आम की खटाई, वही जो सूखी हुई होती है ना, तो आम की खटाई भी कह सकते हैं, सूखा आम भी कह सकते हैं। देखिए ये भी एक गुण है, तो इनका ये छन गया है। अब ये इसमें अपना और मटेरियल डालेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे मम्मी जो है सिरके में अपना ये हल्दी डाल रही है, दो चम्मच छोटी चम्मच से इन्होंने डाला है, और दो से तीन चम्मच तक इन्होंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये बहुत ही चटपटा बनता है, और ये सिरका है गन्ने का है, तो ये खट्टा भी होता है बहुत। और बताइएगा, मैं मम्मी अब नमक भी स्वाद अनुसार डाल देंगी। नमक चाहे जितना भी डालो, फिर बाद में ऊपर से डालना ही पड़ता है, तो थोड़ा इसमें अभी डाल दे रही हैं, और फिर जब खाया जाएगा तो फिर इसमें ये पड़ जाएगा नमक, हल्दी, मिर्चा, अभी और कुछ पड़ेगा। कुर्ता सिलाया था मम्मी ने, अब इनको कोई दे गया है तो ये अपने ऊपर ही लगा के देख रहे हैं कि सही है कि नहीं है। ये देखिए, ये मम्मी पहन नहीं रही थी तो पापा खुद ही लगा के देख रहे हैं। क्या कैसे भी बना लो, मम्मी छौंक के बनाती हैं, हमारे पति देव जो है कच्चा खाते हैं। कच्चे खाने से देखो, इसमें एक कलछुल सरसों का तेल डाल, एक कलछुल नहीं पड़ता कम, एक कलछुल पहले भी डाली थी और एक कलछुल फिर डाल, नहीं नहीं एक कलछुल पहले नहीं डाले, 2 चम्मच के लगभग। ये क्या है? अच्छा, तो ये सरसों का तेल डाल दी मम्मी। ये देखिए सूखा मिर्च, बल्कि थोड़ा ही है इनके पास अभी, अब ये इसमें डाल देंगे सूखा मिर्च। पीछे से पापा बार बार बोल रहे हैं कि लहसुन छील के मत डालो, ऐसे डाल दो। तो सारी चीज पड़ गई अब, बस अब इसको खोलाना है, और ये खोलाने के बाद रेडी हो जाएगा, और फिर इसे जब मन करे, आज से मन करे आज से खाइए, कल से मन करे कल से खाइए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके नीचे लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच पाए। और हमें आपके सपोर्ट की क्योंकि ज़रूरत है, इसलिए आप हमारा वीडियो एक बार ज़रूर देखें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।